दुल्हन भाग वन। चूल्हे पर रखे गर्म तावे से जैसे ही ओमवती ने रोटी को पलटने की कोशिश की, उसके मुंह से दर्द भरी सिसकारी निकली। उंगलियां रोटी के बजाय तवे से छू गई थी। ओमवती ने जल्दी से उंगलियों को पानी में डुबोकर जलन कम करने की कोशिश की। इतने में तवे पर रोटी भी जल गई। बेबस ओमवती ने गुस्से में अपनी लाठी उठाई और चूल्हे व आंगन में बिछी चारपाई पर पसर गई। ओमवती की उम्र भी 55-56 वर्ष के करीब थी। उसका पति जयपाल एक छोटा किसान था। आर्थिक तंगी ज़्यादा होने की वजह से वह परिवार चलाने के लिए मजदूरी भी किया करता था। दुर्भाग्यवश 15 साल पहले मिट्टी से भरी ट्रॉली में दबने से जयपाल की मौत हो गई थी। अब घर की जिम्मेदारी 20 बरस के बेटे सुंदर पर आ गई। 1.25 एकड़ जमीन और मजदूरी करके माँ और 3 बहनों का भरण पोषण किया। तीनों बहनों की शादी करने में वह जमीन भी जाती रही। जिम्मेदारियों को निभाते निभाते सुंदर कब 34 वर्ष का हो गया पता ही नहीं चला। ओमवती ने नाते रिश्तेदारों में सुंदर के रिश्ता की बात चलाई, मगर उम्र और गरीबी को देखकर सब ने कन्नी काट ली। समाज वाले कहने लगे, भाई जमीन तो है नहीं, उम्र भी 35 की होने के हो, ऐसे में कौन देगा अपनी बेटी। ओमवती को आँखों से दिखना कम हो गया था और हाथ पैर भी कब तक साथ देंगे। ओमवती अपनी उंगलियों के पोरों को सहलाते हुए फिर से उठी और लाठी के सहारे चलकर चूल्हे के पास बैठ गई। वह बड़बड़ाई, कमबख्त मौत भी तो नहीं आती, रोज रोज के मरने से अच्छा है एक ही दिन मर जाऊं। चूल्हे के पास बिछे पटरे पर बैठकर तवे से जली रोटी हटाई, फिर से रोटियां बनाने लगी। भगवान भी क्यों बुलाएगा, उसने तो सारे दुख मेरी ही किस्मत में लिख दिए हैं। मत बुला, ओमवती ने रोटियां बनाकर कपड़े में लपेटकर रख दी। साबुत लाल मिर्च निकाली और नमक पानी डालकर चटनी पीसकर रख दी, फिर खाट पर लेट गई। सुंदर कंधे पर फावड़ा लिए घर पहुंचा। ओमवती कभी किस्मत को कोसी रही थी कि सुंदर मुस्कुराकर माँ के पास पहुंचा। क्या अम्मा, आज भी भगवान जी से शिकायत कर रही हो? हाँ कर रही हूँ शिकायत, सुंदर समझ गया। माँ की उंगलियों के पोरों में छाले उभर आए थे, देखकर सुंदर दुखी हो गया। कहने लगा, माँ कितनी बार कहा है रोटियाँ मैं बना दिया करूँगा, कितना वक्त लगता है, थोड़ी सी रोटियों में जला लीना अपनी उंगलियाँ। ओमवती सुबकने लगी। माँ को दुखी देखकर सुंदर भी रोने लगा। सुंदर बोला, अम्मा गलती भगवान की नहीं, मैं ही नालायक निकला, कोई मेरे रिश्ते के लिए तैयार नहीं। आज अगर कोई रोटी बनाने वाली होती तो तुम्हें हाथ नहीं जलाने पड़ते, मेरा बुढ़ापा तो तेरे सहारे कट जाएगा, 2-4 साल में मैं मर जाऊंगी, पर तेरा सहारा कौन बनेगा बेटा। सुंदर ने रोटियां और चटनी की कटोरी उठाई और खाट के पास बैठकर अम्मा को खाना खिलाने लगा। बीच बीच में एक हाथ से अम्मा को पानी भी पिला देता। बेटे के हाथ से रोटियां खाकर ओमवती अपना सारा दुख भूल गई और हंसते हुए बोली, मेरे सुंदर जैसी औलाद तो किस्मत वालों को ही मिलती है। चटनी रोटी खाकर सुंदर फावड़ा लेकर
निकल गया। ओमवती ने रोज की तरह अपनी लाठी उठाई और घर से बाहर निकली। कुछ दूरी पर बबूल का बड़ा सा पेड़ था। वहाँ पर पेड़ के नीचे औरतों घर के काम से फ्री होकर टाइम पास और हंसी मजाक के लिए जमा हो जाती थी। उनका रोज का काम कांटेदार पेड़ के नीचे चुगल पुराण को ताज़ा करना था। ओमवती को देखते ही दो औरतों ने आगे बढ़कर ओमवती को सहारा दिया और खाट पर बिठाया और उसको सम्मान देने के लिए सभी ने उसके पैर छुए। उनमें से एक बोली, माँ जी सुंदर चला गया क्या? हाँ रोटी खाने आया था, खा कर चला गया। दूसरी बोली, और क्या, कोई होती तो रुकता भी, माँ जी के बाहर जाने का इंतज़ार करता। सभी औरतें खिलखिला के हंस पड़ी।